नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज एक फिल्म के बारे में बात करेंगे जिस फिल्म का नाम है जीना तेरी गली में। दोस्तों जीना तेरी गली में 2, दोस्तों आप लोग इसका पहला पार्ट यानी कि जीना तेरी गली में देखे होंगे उम्मीद करते हैं, लेकिन जीना तेरी गली में 2 आखिर ये मूवी कैसा है और किस प्रकार से इसको बनाया गया है और कैसा स्टोरी इसमें लाया गया है, क्यों इसको देखना ज़रूरी है और क्यों नहीं देखना ज़रूरी है, ये आज इस वीडियो में इस फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर इस फिल्म के बारे में कुछ अच्छा खासियत जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आप लोगों को समझ आएगा। दोस्तों सबसे पहले इस फिल्म के बारे में बात कर ले तो इस फिल्म में स्टार कास्ट चिंटू पांडे है और दोस्तों हीरोइन के मामले में बहुत ही कमाल के एक्टर्स मनी भट्टाचार्य नाम है उस हीरोइन का और बहुत ही अच्छे कमाल की इसमें एक्ट की है। और दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर का तो आप लोगों को बता देता हूँ, राजकुमार पांडे जो चिंटू पांडे के पिताजी है वो भी वही इस फिल्म में पैसा लगाए हैं और बहुत ही अच्छा और कमाल का फिल्म बनाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों एक फिल्म था, एक भोजपुरी इंडस्ट्री दौर था जो एक फिल्म बनाया गया था जीना तेरी गली में। दोस्तों इस फिल्म को आप लोग देखे होंगे तो बहुत ही कमाल का फाइट सीन जो चल रहा था और वो गाना भी तेज़ी से वायरल हो गया था और वो गाना कहीं ना कहीं अभी भी वायरल होता रहता है। लेकिन दोस्तों क्या जीना तेरी गली में 2 ऐसा क्या कहानी है, क्या कॉन्सेप्ट है जो लोगों को देखना चाहिए? दोस्तों इसमें बात करते हैं तो सब एक्टर्स अच्छे से काम किए हैं और सब अपने अपने जगह ठीक है, लेकिन दोस्तों कहानी में बस कहानी में मार खा जाता है और इस फिल्म का कहानी कहीं ना कहीं उसी से मिला जुला इस फिल्म में कहानी मुझे ट्रेलर में लगा। पूरा फिल्म देखिएगा तो आप लोगों को लग सकता है कि कुछ चेंज वगैरह, लेकिन कुछ तो चेंज है, लेकिन लव स्टोरी वही घिसी पिटी और वही कहानी थोड़ा थोड़ा मिसमाइज करके उसी कहानी को इसमें दोहराया गया है। तो आप लोग भी इस फिल्म को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को देखना नहीं है, इस फिल्म को आप लोग जब हॉल में लगेगा तो देखिएगा, बहुत ही बजट लगा कर इस फिल्म को रिलीज इस फिल्म को बनाया गया है और बहुत ही अच्छे अच्छे जगह लोकेशन पे शूट किया गया है। दोस्तों कहानी भी एकदम ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा है और मुझे तो ये ट्रेलर और इसका गाना कुछ पसंद आया और मैं तो चाहूँगा कि जब भी ये फिल्म रिलीज हो तो आप लोग ज़रूर जाइएगा हॉल में देखिएगा, ताकि आप लोग भी कुछ रिव्यू इसके बारे में दे सकेंगे। दोस्तों भोजपुरी फिल्म को बदलने के लिए ये जीना तेरी गली में 2 एक अलग राह देगा और एक अलग रास्ता दिखाएगा, क्योंकि दोस्तों जीना तेरी गली में बहुत ही बवाल और बॉक्स ऑफिस पे वायरल यानी कि पूरा एकदम वायरल हिट हुआ था। इसी प्रकार से इस फिल्म से भी भोजपुरी इंडस्ट्री को कुछ उम्मीदें हैं। दोस्तों बात कर ले इस फिल्म का नंबर देना तो 100 में से 95 इस फिल्म को मैं नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कहीं ना कहीं। और आप लोग इस ट्रेलर को देख के आइए, उसके बाद इस कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आप लोग नंबर इस फिल्म को कितना देना चाहते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें जानकारी जो मिला है ये अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यहाँ तक देख ही लिए हैं तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे कोई अगले बड़ा वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।